हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार यदुवंशी आपकी 9th की मैथमेटिक्स के साथ। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। आज आपका एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें का सवाल नंबर सेकंड है। आप ध्यान से देखो तो आपके सवाल में ऐसे बहुत बड़ा सा सवाल लिखा है, उसमें कुल मिला के यही करना है कि जो नीचे कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं उनको डिफाइन करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा ज्ञात कीजिए, मतलब डेफिनेशन दीजिए। अगर मैं पूरा सवाल पढ़ के सुनाता हूँ तो आगे भी सुन लो आगे क्या लिखा है, परिभाषा दीजिए। उसके बाद कह रहा कि क्या इनके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं या कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो पहला नंबर है बच्चा समांतर रेखाएँ। समांतर रेखाएँ पहले आप इसे अच्छे से समझ लो, फिर लिखना या ना लिखना ये आपकी मर्जी है। देखो, समांतर रेखाएं अक्सर होती क्या हैं एक्चुअल में, जैसे मैंने ये दो पेन कर दिया ना, तो ये समांतर रेखा है। आपने रेलवे की पटरी देखा होगा, हमेशा ऐसे होती है। ऐसे तो नहीं होती ना, एक पटरी इधर को एक इधर को, नहीं ऐसे होती ना। रेलवे की पटरी हमेशा क्या होती, समांतर होती है। जैसे देखो ये दो, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अभी इन्हें परिभाषा लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। इनको बच्चा चाहे जिधर को बढ़ाओ और चाहे जितना बढ़ाओ, ये कभी भी एक दूसरे पर चढ़ेंगी नहीं, मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसके विपरीत वह रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, भैया ये इसको मैथ की भाषा में चढ़ना नहीं बोलेंगे, प्रतिच्छेदित बोलेंगे, हाँ इंटरसेक्ट बोलेंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या समझ में आए इन दोनों में, वह रेखाएँ जो कभी नहीं मिलती हैं, वह रेखाएँ जो एक दूसरे में कभी नहीं मिलती हैं, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। लिखो कॉपी खोल के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा आज, याद रखना। देखो प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, अनुष्का और कौन है भैया, प्रीति और मोहित, मैं देख पा रहा हूँ सबका कमेंट, मैं किसी का कमेंट नहीं बोलूँगा। अगर पढ़ना है तो प्यार से पढ़ लो, लिख लो। सोचो कि हम सबका कमेंट बोलें तो फिर हो गई पढ़ाई, हाँ तो समझ गए। वह रेखाएँ जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं समांतर रेखाएँ कहलाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल सीढ़ी है आपके घर में, अगर आपके घर में बांस वाली सीढ़ी जिस पर चढ़ते हो तो उसमें डंडे जो हैं देखो समांतर क्रम में ऐसे लगे रहते हैं, हाँ हाँ। बाकी लंबवत रेखाओं का एग्जांपल ये है, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल लाइन कहते हैं जबकि लंबवत को इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो ये होंगे इसके एग्जाम्पल और इनके परिभाषाएँ, आप इन्हें फट से लिखो। इनका एक और परिभाषा आप सुन लो, ये लंबवत रेखा का आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि सरल रेखा मतलब जो सीधी रेखा पहले से खींची है, इस पे समकोण बनाने वाली रेखा लंब रेखा कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरल रेखा पर समकोण बनाने वाली रेखा लंब रेखा कहलाती है, मतलब जो 90 अंश बना दे सरल रेखा पर, ये हो गई। एक दूसरी परिभाषा ऐसी हो सकती है कि सरल रेखा पर गिरने वाली वो रेखा जो दोनों ओर कोण बनाती है, ये सरल रेखा पर गिरने वाली वो रेखा जो दोनों ओर कोण बनाती है, इधर भी कोण बनाती है, इधर भी बनाती है, यहाँ यहाँ, वो लंब रेखा कहलाती है। तो लिख लो, सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा जो सम कोण बनाती है लंब रेखा कहलाती है। ध्यान दीजिए, रेखाखंड एंड की मतलब इसे ऐसे कह सकते हो बच्चा, लाइन सेगमेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे, परिभाषा कैसे बताएंगे। देखिए इसका एक डेमो देखिए, अगर ये ए बी एक रेखा है और इसके बीच में कोई मैं एक पार्ट काट डालूँ, इसको निकाल लूँ, पी क्यू मैंने इतना काट के निकाल लिया और ये पी क्यू मैंने निकाल के यहाँ बचा, इसको बच्चा स्थापित कर दिया, तो ये जो पी क्यू है वो क्या है, ये रेखाखंड है। ए बी पूरा क्या था, एक रेखा थी और ये पी क्यू क्या है, एक रेखाखंड है। हाँ इसमें अंतर होता है, ये दोनों तरफ को इसमें एरो होता है, दोनों तरफ को एरो होता है, इसका मतलब ये दोनों तरफ को बढ़ती है रेखा, अनंतता को बढ़ती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, बात समझ में आई, नॉन लिमिट। लेकिन रेखाखंड में कभी भी किसी भी तरफ एरो नहीं होता है, इसका ये निशानी होती है कि टुकड़ा होता है एक, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो कि रेखा के किसी भी भाग को रेखाखंड कहते हैं। अगला है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आप लोग लिख लो परिभाषा, लिखना है बच्चा किताब में, यही कहा है आपके सवाल में 9th में, नोट करो, मुँह फैला के देखो मत, कॉपी किताब लेके आया करो, नहीं बहुत मार पड़ेगी जान लो। अभी पता है ना कि ऑनलाइन में पढ़ रहे हो इसलिए नहीं पढ़ रही ना, ये बहुत पढ़ती है जानते हो ना। देखो इधर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पहले तो आप वृत्त देखो, ये क्या है, एक वृत्त है,
जिसे इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं ना। तो बच्चा इसमें त्रिज्या परिभाषा करना है तो पहले त्रिज्या बात करते हैं, जो बीचों बीच में होता है उसे केंद्र बोलते हैं, सेंटर, और ये लाइन जो होती त्रिज्या कहलाती है। लेकिन पहले कुछ परिचय तो हो जाए। ये सेंटर है बीचों बीच में जो है, केंद्र, हिंदी में केंद्र, इंग्लिश में सेंटर। इसे जो चारों तरफ घूमा है इसे इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं। हाँ, तो क्या कहोगे इसकी परिभाषा क्या होगा? वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। लिखो, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपके जो सवाल थे ना उसमें के चार डेफिनेशन हो गए बच्चा। इसमें एक और पूछा है लास्ट में, वर्ग, वर्ग पूछा है। बड़ा आराम से इसका परिभाषा आप दे लोगे, चलो भर से लिख लो इसका भी। वर्ग क्या होता है? देखो, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। व्हाट इज स्क्वायर? तो बच्चा स्क्वायर जो होता है ऐसा होता है ये बच्चा, बहुत सीधा साधा होता है ये। कब बोलूँ, समझ में आ रहा ना? देखो, वर्ग, इसकी ये भुजा अगर दो है तो ये भी दो ही होगी, ये भी दो होगी और ये भी दो होगी। इसकी परिभाषा कैसे दोगे वर्ग की? आप लिखोगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं वो वर्ग कहलाता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं वो वर्ग कहलाता है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सारा जो पार्ट था वो क्लियर हो चुका बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अगली क्लास में देखना। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और बेल आइकन ऑन करें, अपने साथियों को हमारे साथ जोड़ें और लाइव पढ़ें। एक दिन में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाए जो एक एक सवाल पढ़ रहे हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे PVR स्टडी में जोड़ो। और हाँ, एक बात और सुन लो बच्चा, ये नंबर लिख लो। अगर आपके पास बच्चे मिल जाएं, आपके भाई लोग, दोस्त लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो इस नंबर पे फ़ोन करके बता देना कि हाँ सर बच्चे मिल गए हैं और आप लाइव पढ़ाइए। फिर हम लाइव पढ़ाएंगे, ढेर सारी संख्या में आप लोग जुड़ो और एक एक घंटा पढ़ाएंगे, ठीक ना? तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास में इतना ही। जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करना।